दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेफ शॉप से जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। लेडी डायमंड हमारे बीच में है, सुनना चाहते हैं? आधे तो बोल ही नहीं रहे, सुनना चाहते हैं कि नहीं? जब आपकी मैडम की बारी आएगी ना, जब बताएंगे हम तुम्हें, ठीक है ना? मैं देख रहा हूँ सबको, मैंने फोटो खींच लिए। मैडम बताइए कैसा लग रहा है? आप सभी को नमस्कार। उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगी जो कि उनकी वजह से मैं इस स्टेज पर हूँ और इस दुनिया में आई, और उस माता पिता का धन्यवाद देना चाहूँगी, उन्होंने मुझे जन्म दिया, अच्छे संस्कार दिए, एक अच्छा पति मेरे लिए चुना। और अपने सासू ससुर का धन्यवाद देना चाहूँगी, ऐसी माँ ने अपनी कोख से ऐसे बेटे को जन्म दिया, सो थैंक यू। अपने ग्रेट मेंटर्सों का धन्यवाद देना चाहूँगी और अपने सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को धन्यवाद देना चाहूँगी और अपनी प्यारी सी टीम के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी। इनकी लगन की वजह से ये स्टेज मिला है। ये सारा का सारा सम्मान, स्टेज, ट्रॉफी, ये सारी चीज़ें मेरे महान गुरुओं के चरणों में समर्पण करती हूँ। और ये सारा का सारा श्रेय मेरी प्यारी टीम के लिए जाता है, उनके लिए जोरदार तालियां। छोटी सी अपने बारे में जानकारी देती हूँ। पहले ऐसे ही थोड़ी सी जिंदगी चल रही थी, छोटी छोटी, कुछ नहीं था, नौकरी में थे, कुछ खास नहीं था, कुछ बड़ा करना चाहते थे पर कुछ हो ही नहीं पा रहा था, न कोई शॉपिंग बड़ा, न कोई घर में कोई चीज़ की तरक्की। इनके साथ भी रहती थी तो क्वार्टर में, सरकारी क्वार्टर में, वो भी एक रूम का था। कुछ नहीं, बस वहीं पे दिल्ली में ये प्लान देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा, वहीं से सोचा कि यही एक प्लेटफॉर्म है जो जिंदगी बदल सकती है। कुछ नहीं, इसी तरीके से चलता रहा काफी समय तक, हमारे साथ कोई भी नहीं आया, किए सी तो ले दे के बन गए थे पर काम नहीं चल रहा था। मेरे महान गुरुओं ने, तीनों देवों ने उंगली पकड़ी, धीमे धीमे चलाते गए और समझाते गए और आगे बढ़ते गए। इन्हीं का सारा रोल है, जो भी है आज स्टेज मिली है सिर्फ महान गुरुओं की वजह से, इनकी गाइडलाइन में काम करते गए और सफलता मिलती गई। बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, अचानक से मेरे जीवन में बहुत बड़ी घटना हुई जो कि भगवान ने मेरा एक ही भाई दिया था और उस दुनिया से चला गया। उस पल को संभालना मेरे लिए बहुत टफ था। ये उस टाइम पे मेरे साथ थे, सिस्टम को छोड़कर के भी मेरे साथ थे। सभी लोग इसी समय पर टूट जाते हैं, वहीं से हिम्मत दिखाई, मैं बोली आप चले जाओ। मैडमों का, सरों का फोन आने लगा,
सर बोले कोई बात नहीं, हम हैं आपके साथ में। चाहूंगी ऐसी बहनों के लिए जो कि मुझे संभाला। एक बहन मेरी जो अजमेर में है बड़े बहन के रूप में, वो नहीं आई है, उसकी भी मुझे बहुत कमी लग रही है। मेरे तीन मेंटर्स हैं, गुरु हैं, एक भाई जैसा रोल भी देते हैं। हर पल पे संभालना, हर तरीके से संभालना, ये नहीं कसरे। जो भी आज खुशियां आई हैं, इस ये मान सम्मान स्टेज, ये सिर्फ सिस्टम की वजह से, मेरे ग्रेट मेंटर्सों की वजह से। बड़ी बड़ी गाड़ियां आना, ब्रांडेड चीजें खरीदना, अच्छे अच्छे शॉपिंग मॉलों में जाना, अच्छे अच्छे फ्लैटों में रहना, ये सब कुछ हो पाया इस सिस्टम की वजह से। लोग कहते हैं स्वर्ग ऊपर है, मैं कहती हूँ स्वर्ग यहीं है, इसी स्टेज पर। मुझे प्राउड फील होता है ऐसे हस्बैंड पे, जो कि मुझे एक नॉर्मल लड़की को इतना मान सम्मान और इतनी बड़ी स्टेज पर लाके खड़ा किया। सो थैंक यू। सभी कहते हैं कि मुझे सातों जन्म यही मिले, मैं कहती हूँ हर जन्म जन्म में यही मिले। आप सभी से, बहनों से, भाइयों से, मेरी छोटी बहनों से, माताओं से यही अनुरोध है कि आप अपने बेटों का, अपने हस्बैंडों का, अपने भाइयों का, जो मैंने इसी तरीके से प्यार से सपोर्ट किया, वो ही आप करें। उन्हें विश्वास दिलाएं कि आप डायमंड जरूर मिलेंगे। मैंने भी कोई बड़ा काम नहीं किया था, सिर्फ एक ही चीज़ कही थी, आप में वो जुनून है, आप में वो एक्साइटमेंट है, आप बहुत मेहनती हैं, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप, उन्होंने करके दिखा दिया। आप जितने भी बैठे हुए हैं, मेरे भाई हैं, मैं उससे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग मेरे माँ के पिता के समान हैं, मेरे छोटे मेरे भाइयों, सभी से मेरा यही हाथ जोड़ के, आप दिन रात मेहनत करो और डायमंड बन के दिखाओ। ये सारी खुशियाँ आपके लिए स्वागत है, कर रही हैं। मैं अपने फ्रंट लाइन के बैठे हुए मेंटर्सों को नमन करना चाहूँगी। सो थैंक यू।